मैट्रिक का रिजल्ट आने के बाद किसी के चेहरे पर खुशी तो किसी के चेहरे पर गम दिखाई दिया। वहीं सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड क्षेत्र के सूरापुर स्थित आरएस कोचिंग संस्थान के छात्र छात्राओं ने मैट्रिक परीक्षा में प्रखंड का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि हुसैनगंज प्रखंड क्षेत्र के सूरापुर स्थित आरएस कोचिंग संस्थान 30 सालों से लगातार बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है। इसके डायरेक्टर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि ज़्यादातर छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं और हमारी संस्था 30 सालों से लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। इस मौके पर अम्बाला कुमारी का 438 मार्क्स, वहीं अर्चना कुमारी का 424 और सब्बू खातून 417 नंबर लाई हैं, वहीं गोल्डन कुमार 422 नंबर लाए हैं। सर, मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी तकलीफ आए हमें अपनी पढ़ाई बरकरार रखनी चाहिए, हमें अपनी सेल्फ स्टडी करना चाहिए और हमेशा बुक रीडिंग करते रहना चाहिए। और मैं चाहूँगी कि टीचर जो भी पढ़ाते हैं उसको क्लास में कॉन्सेंट्रेट करके सुनना चाहिए और जो भी पढ़ाते हैं उसको रिविज़न करते रहना चाहिए, ऐसी पढ़ाई अच्छी चलती रहती है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी। कितना देर कम से कम पढ़ना चाहिए ताकि अच्छे मार्क्स आ सके? सर, लगभग 8 आवर। क्या सपना आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं? सर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। नाम बताओ। मेरा नाम अम्बाला कुमारी है। कितना नंबर है आपका? 438। कहाँ से पढ़ाई की थी? मैंने अपना पढ़ाई आरएस कोचिंग सेंटर से किया है, या सूरापुर में स्थित है। सर का नाम क्या है? मेरे सर का नाम रविशंकर सर है। पिछले साल नहीं बल्कि हम लोग आज 30वां साल में प्रवेश कर गए हैं। 30 साल से हम लोग का रिजल्ट बहुत बेहतर रहा है, लेकिन इस साल और संतोषजनक रहा है। यदि लॉकडाउन यदि नहीं रहता तो हम लोग और बेहतर प्रदर्शन किए होते हैं। क्या सपना? वही है कि कभी मेरे कोचिंग का भी लड़का बिहार में 1 नंबर पर लाए। कैसा? मेरे यहाँ से लगभग मात्र 4 बच्चे ही सेकंड है और 1 बच्चा थर्ड है, बाकी सब के सब फर्स्ट है। 95 बच्चों में से लगभग 4-5 को छोड़ दिया जाए तो सब फर्स्ट है। सर, जो बच्चे, मैं तो संदेश देना चाहता हूँ कि यदि समाज में, मेरे प्रखंड में, यदि जिला में कोई अनाथ लड़का हो तो हमसे संपर्क करें, हम बिल्कुल मुफ्त उसको पढ़वाएंगे। मेरा नाम रविशंकर प्रसाद, आरएस कोचिंग सेंटर के संचालक हैं। कुशवाहा नगर, सूरापुर। सर, सोचें कि हम जो 12 है इंटर, सर उसमें सोचे हैं बायोलॉजी से रहने के लिए और आगे नीट के प्रिपरेशन करने के लिए। डॉक्टर बनना चाहते जी? जैसे हम सोचे हमारे क्षेत्र में बहुत सारे गरीब लोग हैं, तो सोचे उनके सेवा करने के लिए अपना मेडिकल का शॉप भी है, तो हम सोचे अच्छा मतलब हो जाएगा अपना, तो फ्री में मतलब मेडिकल का भी करेंगे। जिस तरह का रिजल्ट होगा सर इंटर में सोचेंगे इससे और ज़्यादा प्रयास हो और अच्छा मार्क्स आए। आपकी जो पढ़ाई हुई मैट्रिक की, कहाँ से हुई? सर, पब्लिक हाई स्कूल सौली है, वहीं से हुई, आर एस पब्लिक स्कूल। नाम बताइए। नाम आपका क्या हुआ? गोल्डन कुमार। मार्क्स कितना है आपका? 422। क्या सपना है आपका? जी, जैसा कि आप जानते हैं कुछ लॉकडाउन था तो उसमें मैंने सेल्फ स्टडी की और कुछ मेरे कोचिंग के टीचर ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान की, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ और इसका क्रेडिट मैं अपने माता पिता और शिक्षकगण को देना चाहूँगी। अब आपकी पढ़ाई किस विषय से शुरू होगी इंटर में और क्या सपना है? मैं चाहती हूँ कि मैं आर्ट्स पढ़ूँ और आगे चलकर मैं IAS ऑफिसर, UPSC का एग्ज़ाम मतलब दूँ उसको। मैं चाहती थी कि मैं देश सेवा में कुछ अपना योगदान दूँ, इसलिए मैंने अपना दस अपने पापा को और अपने गुरुजन को मानती हूँ। नाम बताइए। कितना नंबर है आपका? मेरा नाम अर्चना कुमारी है और मेरा 424 नंबर आया है।